मिशन शक्ति इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद देवरिया के पुलिस कप्तान डॉक्टर श्रीपद मिश्र जी, इस विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उदय भान जी, लोक कल्याण ट्रस्ट ACCI के सभी सदस्यों पदाधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक गौरी बाजार श्री गिरिजेश तिवारी जी, प्रभारी महिला थाना श्रीमती प्रीति सिंह जी, पुलिस परिवार के लोग, पत्रकार बंधु एवं देश के भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में लोक कल्याण ट्रस्ट की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम कप्तान साहब से मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, वो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चों ने यहाँ पे रंगोली की प्रतियोगिता में भाग लिया और इतने सजीव नाटक का चित्रण प्रस्तुत किया हम लोगों के सामने, उन सभी को कप्तान साहब की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा और कुछ दिनों में माननीय प्रिंसिपल साहब को दे दिया जाएगा, वो आपको प्राप्त होगा। आप लोगों के इतने अच्छे मंचन के लिए साहब ने तुरंत नगद पुरस्कार भेंट किया, आपको दिया, इसका मतलब यह है कि आपने बहुत ही उत्कृष्ट प्रस्तुति यहाँ पर दी। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि लेट हो गया और सुबह से बच्चे यहाँ हैं भी, आप लोगों को भूख भी लगी होगी। बस दो चार शब्द कहूंगा, सरकारें, शासन प्रशासन, पुलिस अब आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत प्रयास कर रही है और आप स्वावलंबी बने, आगे बढ़े, इसके लिए भी प्रयास कर रही है। बस आपको धैर्य नहीं खोना है, मजबूती से अपने प्रयास को जारी रखना है, मेहनत करनी है। निश्चित रूप से आप लोग भी आज सामने बैठे हो, कल इस मंच पर हो, वह दिन दूर नहीं है जब आप लोग हर क्षेत्र में आगे तो ही है, ज्यादा बहुतायत क्षेत्रों में आप लोगों की भूमिका होगी। हमारे कप्तान साहब की दो लाइन है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप लोग जानते होंगे कि हमारे देवरिया जनपद के पुलिस कप्तान हृदय है, कवि हृदय है और कई रचनाएं साहब की हैं। आप लोग यूट्यूब पे डॉक्टर श्रीपद मिश्रा अगर डाल के सर्च करेंगे तो सर के द्वारा रचित और सर के द्वारा ही बोली गई कई कविताएं आपको मिल जाएंगी और उसी में से एक कविता है जिसका कई मंचों पर सर ने अपने मुखारविंद से उसका वाचन भी किया है। आज मैं आप लोगों के सामने उसी की दो चार लाइनें प्रस्तुत करने जा रहा हूं और निश्चित रूप से यदि आप लोग घर और ध्यान से सुनेंगे तो एक एक शब्द में, एक एक लाइन में आपको अपना भविष्य दिखेगा और अपने जीवन को जीने का आस भी दिखेगी। और साथ ही बहुत सारे हमारे जो यहाँ पुलिस के जवान बैठे हैं, जो अवसाद में लोग तमाम लोग जीते हैं कि क्या होगा, अब तो सब खत्म हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हमारी अपेक्षाएं आकांक्षाएं बहुत होती हैं, हमारी आशाएं बहुत होती हैं, लेकिन सर की ये लाइनें आप सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि नहीं, बहुत ही यथार्थ चित्रण है, सर ने बहुत ही अच्छी रचना की है। मैं दो चार लाइनें आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये करते जाओ कर्म प्यार से, करो समीक्षा स्वयं हार से, करते जाओ कर्म प्यार से, करो समीक्षा स्वयं हार से, कर्म भाव से चलती दुनिया, कर्म भाव से चलती दुनिया, मेहनत का परिणाम धरा पर आज नहीं तो कल मिलता, मेहनत का परिणाम धरा पर आज नहीं तो कल मिलता, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, है शाश्वत यह नियम, उचित समय पर ही जीवन का कर्मों का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। लक्ष्य भेद को निस्दिन जागो, असफलता से कभी न भागो, जीवन के झंझावातों में, जीवन के झंझावातों में, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। पत्थर जितना ठोकर खाता उतना चिकना बनता जाता, मंदिर में रख पूजा करते मन को अद्भुत सुख मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कुंठित होता आप कमल दल, अरुणोदय की चिंता पल पल, रब किरणों से वही कमल दल, जब संयुक्त हो पंकित पटल सहज खिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है।
बहुत ही अच्छी लाइन है, अपने हाथ तैयार रखिएगा। जीत गए तो प्रीत नहीं। जब आप सफल होते हैं जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं आपकी जय जयकार करने के लिए। तो उस पर सर ने लिखा है कि जीत गए तो प्रीत नहीं। यदि आप पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे, सब आगे बधाई देंगे कि मैंने कहा था बहुत होनहार बच्चा है और ये सफल हो गया। लेकिन जीत गए तो प्रीत नहीं और हार गए तो मीत गए। जब आप हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सब आपको नालायक बोलते हैं, किसी काम का नहीं। तो जब जीतेंगे तभी कुछ होगा। तो स्वावलंबन आपको करना है। जीत गए तो प्रीत नहीं, हार गए तो मीत गए। प्रीत मीत से, हार जीत से जीवन पथ पर प्रतिदिन नया कमल खिलता है, आज नहीं तो कल। सर की ये जो लाइन है वो प्रायः जीवन में मेरे सामने आती रहती है और मैं लोगों से कहता भी हूँ जब लोग परेशान हो जाते हैं। और बहुत ही अच्छी लाइन है, समय से पहले नियत से ज्यादा, समय से पहले नियत से ज्यादा नहीं मिला है नहीं मिलेगा। समय से पहले नियत से ज्यादा नहीं मिला है नहीं मिलेगा। जो मिलना है जब मिलना है, पल भर भी हुआ नहीं मिलेगा। जो मिलना है जब मिलना है, पल भर भी हुआ नहीं मिलेगा। ऊपर वाला तय करता है, जब मिलना है तब मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। मैं चाहता हूँ हमारे कप्तान साहब के पास जोरदार खड़े होकर आप लोग ताली बजा दें, क्योंकि सर की जो ये दूरदृष्टि है, कभी हृदय है, सर इतना सबको प्यार करते हैं, स्नेह करते, इतनी समस्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय के इस कार्यक्रम में मौजूद इस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उदय भान जी कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रही हैं, डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा जी, लोक कल्याण और ACCI से संबद्ध ACCI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री लवलेश शुक्ल जी, प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश तिवारी जी, महिला थाना प्रभारी श्रीमती प्रीति सिंह जी, इस महाविद्यालय के विभिन्न फैकल्टीज के फैकल्टी मेंबर्स, आज के कार्यक्रम की जो सूत्रधार हैं नारी शक्ति, उसके प्रतीक के रूप में बैठी हुई और नारी शक्ति की सहज प्रतिमूर्ति के रूप में बैठी हुई नारी शक्ति की सभी ये हमारी बेटियां, इस महाविद्यालय के छात्रगण, पुलिस परिवार के हमारे सभी पुलिस के कर्मी, महिला आरक्षीगण और समाज के चतुर्थ स्तंभ के सशक्त प्रहरी सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं कॉलेज के प्राचार्य जी को और श्री लवलेश कुमार शुक्ल और इंस्पेक्टर गौरी बाजार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यह कार्यक्रम आयोजित कराया और इतना बेहतरीन आयोजित कराया जिसकी मुझे कल्पना नहीं। निश्चित रूप से यह आप सभी के संकल्प का ही परिणाम है कि मिशन शक्ति का ये कार्यक्रम जो शारदीय नवरात्र से चल रहा है, चैत्र नवरात्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे पूरे प्रदेश में लागू किया। ये बात रेखांकित करने के लिए, बार बार बताने के लिए, जताने के लिए कि नारी की सुरक्षा, नारी का स्वावलंबन और नारी का सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन समाज का आज की तिथि का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके बिना यह समाज आगे नहीं बढ़ सकता। यूं तो
अगर आप इतिहास के पन्ने पलटें तो आप पाएंगे कि ऋग्वैदिक काल में और उसके उत्तर काल तक काफी समय तक नारियों का समाज में बड़ा विशिष्ट स्थान रहा है। बीच में मध्यकाल में कुछ कुरीतियों ने, कुछ भ्रांतियों ने, कुछ सामाजिक वर्जनाओं ने ऐसा कुछ किया कि महिलाएं घर के भीतर ही संकुचित होकर रह गई। और इसीलिए फिर समय की पुकार आई कि जब तक समाज में महिलाओं को आगे नहीं लाया जाएगा, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तो समाज की इस सामाजिक व्यवस्था के जो दो महत्वपूर्ण स्तंभ पुरुष और महिला हैं, वो एक साथ नहीं चलेंगे तो समाज का विकास कुंठित हो जाएगा, समाज अपनी उस द्रुत गति को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिसके लिए संकल्पित किया गया। और काफी पहले समय से इसके लिए प्रयास किया जा रहा था, किंतु जब वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण लिया 4 साल पहले, कल ही अभी इस सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के पश्चात सबसे पहला अभियान चलाया एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया सभी थानों में, और जितने इस तरह के ईव टीजिंग करने वाले लड़के, उच्छृंखल लड़के, अपराध की भावना रखने वाले लड़के, इनके विरुद्ध एक विशिष्ट प्रकार का अभियान चलाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया और सभी थानों पर यह अभियान बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया। और आज की तारीख में आप सब इस बात की गवाह हैं कि किसी भी लड़की को रास्ता चलते किसी भी लड़की को किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं है कि छेड़ दे। ये बात सही है या गलत है? सही है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रास्ता चलती लड़की को छेड़ दे। इतने सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं। आप 112 पर सूचना देंगी, 10 मिनट में 15 मिनट में पुलिस आ जाएगी। और आप तो हमारे जो पीआरवी बनी हुई है, जो गाड़ियां बनी हैं, उसमें हमारे महिला कर्मी भी लग गई हैं। रात को अगर किसी महिला को कहीं ऐसी आवश्यकता महसूस हो कि मैं अकेली स्टेशन पे बस स्टैंड पर उतरी हूँ, मुझे 2-4 किलोमीटर जाना है और जाने के लिए बहुत दिक्कत है, कहीं रास्ते में कोई बात ना हो जाए, तो 112 को सूचना देने पर जो वाहन 112 का आएगा उसमें सब महिला कर्मी हैं, ड्राइवर को छोड़कर सभी महिला कर्मी हैं, और वो आपके उत्साह को द्विगुणित करने के लिए ही है। हमारी ये नारी शक्ति यहां बैठी हुई है, महिलाएं पुलिस विभाग में आज की तारीख में 20% महिलाएं हमारे यहां नियुक्त हो गई है, और ये वही महिलाएं हैं जो अब सब स्वावलंबी हो चुकी है। मैं देख रहा हूं यहां की प्राध्यापिका डॉक्टर प्रज्ञा मिश्र जी यहां बैठी हैं, ये भी उसी का एक अंश है, और आप जितनी महिलाएं लड़कियां यहां बैठी हैं, आप भी समाज के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए आपकी भी उतनी ही भूमिका हो सकती है। लेकिन उसके लिए करना होगा कठोर परिश्रम, क्योंकि परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कड़ी मेहनत का प्रतिष्ठानी यहां कोई नहीं, मुनि दधीची सा प्रखरदानी यहां कोई नहीं, ये तो सामाजिक व्यवस्था है। जब आप में प्रखरता होगी तो प्रखरता को संसार पूजता है। आप जिन कुर्सियों पर आज हम बैठे हैं, कल हम इसे खाली करेंगे। अगर आप योग्य नहीं होंगे, योग्य नागरिक नहीं रहेंगे, तो भी
सरकार की मजबूरी है, ये कुर्सियां खाली नहीं रखी जा सकती। अगर उत्तराधिकारी अयोग्य हो गया तो मुगल शासन में देखिए कई अयोग्य उत्तराधिकारियों ने इस देश को कितना पीछे ले जाने में अपना योगदान दिया, विकास की धारा रोक दी। या तमाम ऐसे शासक हुए जो दिल्ली से दौलताबाद करते रहे। आप में योग्यता होना बहुत जरूरी है, अपने लिए स्वांत सुखाए और अंत सुखाए, व्यस्त के लिए समस्त के लिए, अपने लिए समाज के लिए राष्ट्र के लिए। और जब आप में योग्यता आ जाएगी तो अब प्रतियोगी परीक्षाओं में वह स्थिति नहीं है कि बीच में एक ऐसा माहौल बन गया था कि हर परीक्षा पांच तरह के इम्तहान देकर के परीक्षा उत्तीर्ण होने का नियम आ गया था। प्रथम प्रारंभिक परीक्षा, फिर लिखित परीक्षा, फिर इंटरव्यू। उसके बाद जब परिणाम घोषित हो जाता था तो असंतुष्ट ग्रुप हाईकोर्ट जाता था। तो प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब नियुक्ति। एक वो भी दौर चला। और एक आज का दौर है कि कोई भी परीक्षा का परिणाम निकलता है तो कोई हाईकोर्ट जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। ये हमारी जो लड़कियां यहां बैठी हुई हैं, महिला आरक्षी, एग्जाम दिया, पास हुई, सिलेक्ट हो गई, इनको न कहीं हाईकोर्ट जाना पड़ा, किसी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अपनी योग्यता दक्षता के आधार पर आज सिलेक्ट हुई है। और जब आप अच्छा पद प्राप्त कर लेंगी, स्वावलंबी हो जाएंगी, तो आपकी जो गरिमा है, आपकी जो मर्यादा है, आपका जो सम्मान है, वो घटेगा या बढ़ेगा? तो बढ़ने के लिए जरूरी है स्वावलंबी होना, और स्वावलंबी होने के लिए जरूरी है मेहनत करना। ये जो विद्यालय महाविद्यालय परिवार है, परिसर है, यहाँ के प्राध्यापक हैं, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन आपको देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं। इट इज अप टू यू हाउ मच यू कैन गेट। इनमें कोई कसर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को ज्यादा पढ़ाते हैं और दूसरे को पढ़ाते हैं। योग्य प्राध्यापकगण, विशेष रूप से जो शासकीय महाविद्यालय हैं, ये सब कमीशन से सिलेक्ट होकर के योग्य प्राध्यापक यहां चुने जाते हैं। और अगर आप इनकी योग्यता का लाभ न उठा सकें तो ये दुर्भाग्य आपका, और आप अपने को कल प्रमाणित कर सके और यह संकल्प लेकर के जाएं कि पुलिस अधीक्षक साहब ने कहा है और हम इसी कुर्सी पर बैठने का दावा करते हैं। हम लोगों ने भी ऐसी ही कुर्सियों पर पढ़ के विद्यार्थी जीवन में समय गुजारा है, बल्कि इससे भी खराब स्थिति थी। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में इतने संसाधन नहीं थे जो आज हैं, इतनी पुस्तकें नहीं थी जो आज हैं, इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन था ही नहीं कुछ। यूनिवर्सिटीज वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में कई बार पुस्तकें मिल ही नहीं पाती। हमें याद है यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था तो ऑपरेशन रिसर्च की एक ही बुक थी पूरी लाइब्रेरी, और वो एक इशू करा देता था 15 दिन के लिए तो हम लोग बिल्कुल टकटकी लगाए रखते थे, और जिस दिन वो वापस होना था सवेरे से लाइब्रेरी को सहेज के रखते थे कि साहब आप चाहे गिराएंगे आपको वो किताब दूसरी न ले जाए। वो समय नहीं है, आप सारी चीजें गूगल पे जाकर के सर्च करके बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। केवल कमी है तो इच्छा शक्ति, कमी है तो आपके संकल्प। इसलिए आप संकल्पवान बने, मेहनत करें, और जब नारी स्वावलंबित होगी तो उसका सम्मान बढ़ेगा, और जब ये दोनों होगा तो सुरक्षा के लिए भी आप में से ही लोग सेलेक्ट होकर के पुलिस अधिकारी बनेंगे। ये हमारी लड़कियां, सभी लड़कियां खड़ी हो जाएं, पुलिस की जो हैं, ये पुलिस के हमारे सभी महिला आरक्षीगण हैं, ये सब अपनी प्रतिभा और योग्यता से सिलेक्ट हुई आई और आज ये स्वावलंबी हैं। इनमें तमाम ऐसी हैं इनकी अभी शादी नहीं होगी और ये अपने घर में बड़ी भी होंगी, और ये उसी दायित्व का निर्वाह कर रही हैं जो एक पिता अपने परिवार में करता है।
ये महीने में अपनी तनख्वाह अपने पिताजी को देती होंगी, अपनी माँ को देती होंगी, तो बहन की फीस जमा होती होगी, भैया की फीस जमा होती होगी। ये स्वावलंबन इन्होंने मेहनत से प्राप्त किया, योग्यता से प्राप्त किया है, वो योग्यता आपको भी प्राप्त करना है। इसके लिए एक संकल्प चाहिए और संकल्प सुदृढ़ चाहिए। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प का विकल्प नहीं है, संकल्प स्वयं में सुदृढ़ संकल्प है। तो ये जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इधर आपने देखा होगा नारी अपराध में कमी आई है, बहुत सारे प्रकरण अखबारों में आप पढ़ते होंगे, अमुक गांव में इस लड़की का अपहरण हो गया, ये घटना हो गई, ये घटना हो गई, और जब हम लोग डिटेल निकालते हैं तो पता चला कि 2 साल से 1 साल से 6 महीने से आपस में दोनों बातचीत करते थे, रजामंदी से चले गए, लेकिन जब चले गए तो एक माँ को एक पिता के कलेजे पे जो चीज आती है, जो बात गुजरती है, बच्चे को इसलिए नहीं कोई बड़ा करता कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो अपने मन की करने लगे, समाज की मर्यादाओं का वो ख्याल रखे। कानून में आपको तमाम लिबर्टीज हैं, उन लिबर्टीज के बारे में आप जानते हैं, उन नियमों के बारे में, कानून के बारे में आप जानते हैं, कानून का सदुपयोग होना चाहिए। कानून समाज के उत्थान के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं बनाया गया है कि उसकी आड़ में आपके परिवार के लोग, आपके पिता, आपके भाई, आपकी मां व्यथित हो, दुखी हो, परेशान हो। और बहुत सारे लोग हैं जो इस उम्र में, अभी आप लोगों को जीवन का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, तो ऐसे समय में आपको बहुत सारी चीजें अच्छी समझ में आने लगती हैं, बहुत अच्छी समझ में आने लगती है, ऐसा लगता है हाँ यही जो ये मेरा विकल्प है, यही बहुत अच्छा है। बाद में पता चलता है कि नहीं, ये विकल्प तो हमारा बड़ा खराब था, लेकिन तब समय निकल चुका होता है। और आपके पास या किसी के पास जिसने ऐसे निर्णय लिए होते हैं, उसे सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। ये जीवन पछताने के लिए है क्या? जीवन है कर्म करने के लिए, अपनी दक्षता योग्यता से समाज, परिवार, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए। और अगर हम इस राष्ट्र में रहकर या अपने परिवार का नमक खाकर, अपने समाज का नमक खाकर, अपने देश की धरती पर पलकर, अपने शासकीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत दिए गए इन महाविद्यालयों में नियुक्त योग्य प्राध्यापकों से शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी हम उसकी गरिमा का ख्याल न रखें तो ये बहुत ही दुर्भाग्य। इसलिए आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम नारी सुरक्षा, नारी संकल्प, नारी सम्मान के प्रति संकल्पित होकर स्वावलंबी बनेंगे। अब जब आप स्वावलंबी बनेंगे तो आप अपना विकास करेंगे, परिवार का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे, और महिलाएं तो दो कुलों का वैसे ही विकास कर देंगे। योग पुत्री अपने परिवार की जहां देखरेख करती है मायके में, वहीं ससुराल में जाकर वहां के लोगों को भी शिक्षित और योग्य बनाती है। एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में, एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक मां के रूप में, विविध रूपों में अगर कोई बहुत दक्षता और सफलता पूर्वक कार्य कर पाता है तो केवल एक ही है, वह है नारी। इन सारे रूपों में आपको अपनी दक्षता प्रमाणित करनी है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पे भी दूंगा कि आज आप किसी की बहन हैं, कल किसी की पत्नी होंगी, परसों माँ होंगी, फिर मां होने के बाद सास बनेगी। अब जब आप सास बन जाती हैं या पुरुषों के लिए ससुर बन गए, बाबा बन गए, तो सोच थोड़ी बदल जाती है। जैसे आप जिस परिवार की हैं तो आप ये चाहेंगी कि आपकी भाभी आपके भैया के बस में ही रहे, ये बात सही है गलत है? लेकिन अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी मां क्या चाहती है?
कि हमारा दामाद हमारी बेटी के मुट्ठी में रहे, तो ये दोनों बातें कैसे हो पाएंगी? ये दोनों बातें हो सकती हैं? संभव नहीं है। इसलिए आपको उस जो संभव नहीं है उसके लिए लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी वहां है कि एक सास के रूप में, एक बहू के रूप में, एक नंद के रूप में। मैं नंद का इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि हमारे यहां कई बार दहेज हत्या हो जाती है और नंद का कोई लेना देना नहीं होता। और सब कहते हैं, अरे साहब नंद तो अभी बीए में पढ़ रही है, ये तो अभी हाई स्कूल में है, इससे क्या मतलब, कहते हैं लोग। लेकिन हम आप सभी गांव के हैं, घर के हैं, परिवार सबके साथ है। घर में भाभी को अगर कोई ताना देने का सबसे बढ़िया काम करती है। देखो खुद हंस रही है, सही कह रहा हूं? तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस चिंतन को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आप अगर घर की चीजों में बहुत ज्यादा दखल देंगे, सास चाहती है कि अगर बहू आई है तो जैसा मैं निर्देश करूं वो वैसे करें, और आजकल की बहुएं वो चाहती हैं गेट में घुसते ही मकान का चाबी हमारे हाथ में आ जाए, तो ये गड़बड़ है। दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता है। सास को चाहिए कि बहू को आते ही स्वागत में चाबी दे दे, और बहू को चाहिए कि आवे तो कहे जैसे मेरी माँ वहां थी वैसे आप मेरी माँ हो, आपके सम्मान और आपकी गरिमा का ख्याल रखना मेरा दायित्व है। तो जब ये विचार होगा तो वो परिवार सदैव अच्छा चलता है। इसलिए आप लोगों को जो शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा इसलिए दी जा रही है कि क्या सही है क्या गलत है इसका वर्गीकरण आप कर सकते हैं। शिक्षा इसलिए दी जा रही है कि क्या आपके लिए उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है इसका ज्ञान आपको हो सके। शिक्षा का ये तात्पर्य नहीं है कि आप वैसे तो बड़े विद्वान हो। एक गुरुजी थे यूनिवर्सिटी में, बड़ा अच्छा पढ़ाते थे। कहे साहब गुरुजी पढ़ाते तो बहुत अच्छा है लेकिन कभी कदा जब गुस्से में आते हैं तो इधर उधर गाली दे देते हैं। तो विद्वान होना अलग विषय है लेकिन सामाजिक चिंतन होना, सामाजिक चिंतक होना, सामाजिक सरोकार से वास्ता रखना, एक अच्छा प्राध्यापक होना अलग विषय है, एक अच्छा विद्वान होना अलग विषय है। विद्वान आप हो सकते हैं, क्लास बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़िया सोशियोलॉजी के प्रोफेसर साहब क्लास में पढ़ा रहे हैं और घर में शाम को रोज सिर में पट्टी बंधी रहती है। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक समरसता घर में होनी चाहिए वहां भी उन्होंने कॉलेज वाला वातावरण करने का प्रयास किया होगा, वो संभव नहीं है। इसलिए प्रिय बच्चों, नारी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको घरेलू हिंसा संबंधित जहां भी बात होती है, अभी प्रीति सिंह बता रही थी आज की तारीख में अगर कोई नारी हिंसा करता है, घरेलू हिंसा की शिकार होती कोई महिला, 181 को टेलीफोन करिए, तुरंत पुलिस वाले आए, 1090 को टेलीफोन करिए, कुछ नया दावे 112 को टेलीफोन कर दीजिए। आपकी मर्यादा की रक्षा के लिए ही ये सब बने, लेकिन आपको अपना दायित्व बोध भी होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इस अस्मिता और मर्यादा का कोई दुरुपयोग न करने पाए। कोई ये ना कहे कि पड़ोसी को जेल भिजवाना है तो चलो ऐसा कहता था, नहीं कहना चाहिए ना, लेकिन कई बार ऐसा लोग कर जाते हैं। तो उनको समझाने का दायित्व किसका है? इसी का। आप सुरक्षित रहें, अपने सम्मान के प्रति सतर्क रहें, प्रशासन आपके साथ है। हम संकल्पित हैं कि हम आपको हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराएंगे, और जब नारी सम्मान सुरक्षित रहेगा, स्वावलंबी होगा, तो नारी की जो मर्यादा है वो अपने आप द्विगुणित हो जाएगी। ये तमाम बेटियां हमारी ऐसी हैं जिनका स्थान अपने घर में अपने भैया से ज्यादा है,
क्योंकि ये परिवार को आगे ले जाने का काम करें। और शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है, बस एक अच्छा नागरिक बनना है। और जब आप अच्छे नागरिक बनेंगे तो जो अच्छा नागरिक होगा, योग्य होगा, वो चाहे रोजगार में हो, सरकारी नौकरी पावे न पावे, वो अपने जीवन यापन के लिए जितने चीजें चाहिए वो मुहैया करा सकने में समर्थ हो जाएगा। व्यापार करेगा वहां सफल होगा, जो काम करेगा वहीं सफल होगा। तो मैं इस अवसर पे आप सभी का आह्वान करता हूं कि जो नारी शक्ति को प्रमाणित करने का महाअभियान चल रहा है, इससे केवल ये नहीं कि कप्तान साहब ने आज कह दिया, आज बड़े जोश में है कि आप जाके भाई पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाएंगे कि नहीं, संकल्प ले लिया साहब ने कहा है, और दूसरे दिन कहा कि तो कल संकल्प होगा। बस जहां ये बात आई वहीं बाकी सारी चीजें शिथिल पड़ने लगी। ये आपके जो प्राध्यापक गण हैं ये मेहनत करके यहां है, इन कुर्सियों पर बैठना इतना आसान नहीं है, ये कांटों का दाग है। जिंदगी में खूब मेहनत किए होंगे तब ये प्राध्यापक बने हैं, और अभी भी जो योग्य शिक्षक है सवेरे पढ़ के आता है। तमाम ऐसे हैं जो 1857 की किताब से आज काम चला लेते हैं, लेकिन वो संख्या कम है, अब वो युग नहीं है। अगर प्राध्यापक पढ़ के नहीं आएगा, तमाम बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, वैसी चीज पूछेंगे कि अध्यापक जी को, प्राध्यापक जी को फिर बगले झांकना पड़ेगा, क्योंकि जहां से वो पढ़ के आ रहे हैं वहीं से बच्चा भी पढ़ के आ रहा है। जिस नेट पे जाके गुरु जी ने पढ़ा है शाम को, उसी नेट से पढ़ के बच्चा भी आ रहा है। लेकिन कोई भी शिक्षक, कोई भी प्राध्यापक ये नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को योग्य न बनाए, वो अपनी योग्यता, अपनी दक्षता का एक एक तिनका आपको देना चाहते हैं। ये आपकी योग्यता और आपकी दक्षता है कि आप उसमें से कितना ले सकते हैं, इसलिए अपना विधान खोलिए और आगे बढ़ने का संकल्प लीजिए। और जब आप इस संकल्प लेंगे तो आप समाज को आगे ले जाने का गुरुतर दायित्व निभाने में सर्वथा समर्थ होंगे। नवलेश जी ने एक जो हमारी लाइन अभी पढ़ी थी कविता वाली, वो यही है, जीवन में समस्याएं सबको आती हैं, ऐसा किसी का जीवन नहीं जिसके जीवन में समस्याएं ना, लेकिन जीवन की समस्याओं का हल भी उसी जीवन में, जीवन के झंझावातों में, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। आवाज नहीं मिलेगा कर्म जाएगा, इसलिए आपको कर्म करना है, मेहनत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्राचार्य जी का, इनके पूरे प्राध्यापक समूह का के प्रति हृदय भाव से आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से ललेश कुमार जी का, जिन्होंने ये पूरे प्रदेश में इस तरह के आयोजन विभिन्न जनपदों में कर रहे हैं। अभी कल परसों इनका बहुत अच्छा आयोजन गोपालगंज में हुआ है, 4-5 दिन पहले इन्होंने सिवान में किया, फिर हमने इनसे आग्रह किया कि आप आइएगा तो देवरिया में कार्यक्रम और कराना है, और ये बड़े उत्साही व्यक्ति हैं, पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम करा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह से सामाजिक कार्यों में और इस तरह के जो हमारे शासन के महाअभियान हैं उसमें ये इतनी अग्रणी भूमिका निभाएं कि इनके प्रति जो हमारा सम्मान है, आपका जो सम्मान है, वो सदैव बढ़ता रहे और ये समाज के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।